नामीबिया से आ रहे चीते बेहद खास हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए इंतजाम भी खास है। चार्टर्ड प्लेन से उतरने के बाद चीतों के लिए एक प्रोटोकॉल फिक्स किया गया है, जिसके तहत 2 से 3 महीने चीतों को मॉनिटर किया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए तैयारी कैसी है, ये रिपोर्ट। आ रहे हैं 8 चीते, क्या आपने देखे? ग्वालियर से लेकर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आ रहे चीतों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 8 चीतों के साथ बोइंग 747 कल सुबह ग्वालियर में लैंड करेगा, इसलिए वहां सारे इंतजामों को जांचा परखा जा रहा है। चीतों को ग्वालियर से श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा, जहां बाड़ो, क्वारंटाइन सेंटर, फेंसिंग और वॉच टावर को चीतों के लिए तैयार कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर से निकलने के बाद जो उनके लिए क्वारंटाइन एंक्लोजर्स बने हैं छोटे छोटे, तो उन वहाँ पे उनको लेके जाया जाएगा। तो वहाँ पे 3 चीता अभी जो शेड्यूल है वो 3 चीता माननीय प्रधानमंत्री जी रिलीज करेंगे उन क्वारंटाइन बाड़ों में, और बाकी के चीता फिर बाद में उसके बाद में जो उनके रेस्पेक्टिव बाड़े हैं उसमें छोड़ दिया जाएगा उनको। लगभग 1 महीना उसमें रखने के बाद क्वारंटाइन जो एक लीगल मैंडेट होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद फिर हम उनको बड़े वाले बाड़ों में छोड़ेंगे एक्लेमेटाइज करने के लिए 2-3 महीना उसमें रख के, और फिर उनके जो रेस्पॉन्स को देखते हुए फिर उनको बाहर फ्री रेंजिंग एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में पहुंचने के बाद चीतों को 1500 वर्ग मीटर के 6 बाड़ों में क्वारंटाइन किया जाएगा। ये चीते 1 महीने 1500 वर्ग मीटर एरिया के बाड़ों में रहेंगे। कूनो नेशनल पार्क पहुंचने के बाद भी नर और मादा चीतों को अलग अलग रखा जाएगा। 8 चीते 1 महीने तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 महीने के क्वारंटाइन पीरियड के बाद चीतों को 5.5 वर्ग किलोमीटर एरिया के बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा। 5.5 वर्ग किलोमीटर एरिया के बाड़े को 9 हिस्सों में बांटा गया है। इस बाड़े में चीतों के व्यवहार और सेहत को मॉनिटर किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इन चीतों को 740 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों को लगता है कि सब कुछ तय योजना के हिसाब से चला तो दिसंबर में चीतों को खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। इसी के बाद आम लोग जंगल सफारी के दौरान चीतों को देख पाएंगे। कूनो नेशनल पार्क के आसपास के गांवों में भी चीतों के स्वागत की जबरदस्त तैयारी है। आसपास के गांवों में चीतों के सकुशल पहुंचने के लिए पूजा अर्चना, भजन कीर्तन चल रहा है। चंबल के पूर्व डकैत रमेश सिंह सिकरवार के गांव लहरौनी के मंदिर में लोग पूजा कर रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि आसपास के जो गांव वाले हैं वो इस बात को लेकर कितने उत्साहित हैं, कितनी खुशी की लहर है उनके मन में कि चीते आएंगे तो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर खुलेंगे। कूनो नेशनल पार्क में चीते सुरक्षित रहे इसके लिए मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लोगों में जागरूकता अभियान चलाया है। चंबल के पूर्व डकैत रमेश सिंह सिकरवार सहित 450 लोगों को चीता मित्र बनाया गया है। चीता मित्र कूनो नेशनल पार्क के आसपास के इलाकों में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। 70 के दशक में दहशत का नाम रहे रमेश सिंह सिकरवार ने 1984 में सरेंडर कर दिया था। तब से वो सामाजिक कार्यों में लगे हैं। लेकिन चीता मित्र बनने के बाद सिकरवार ने चीतों का शिकार नहीं होने देने का संकल्प ले लिया है। बोला है, मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि अगर जो है शिकार नहीं मानेगा तो उनको हाथ पैर काट डालूंगा मैं। अच्छा, जिंदा जिंदा तुम रहोगे, दुनिया देखती रहे कि इनको हाथ क्यों काटे, इन्होंने चीतल मारा कि चीता मारा, हिरण मारा, इसलिए फिर हाथ काटे, उनको न्याय सजा मिलेगी।